नमस्कार दोस्तों, आप है कानपुर के घुमक्कड़ लौंडे के साथ। इस समय हम लोग खड़े हैं भाटिया होटल पर। तो यहाँ से हम लोग का चले गए भैया बर्रा दो। अच्छा, बर्रा दो कहा है कि भैया बर्रा दो में एक स्टूडियो है अपना, नवा नवा खुला है, रेडियो कनपुरिया। तो चलो भैया, आज तुम लोग का रेडियो कनपुरिया दिखा रहे हैं भैया स्टूडियो चल के। ठीक, तो हमारे साथ हम हैं और हमारे ऋतिक भैया, ये दो लोग हैं हम लोग। तो हम लोग चल रहे हैं और पुत्तन भैया तो जा नहीं सकते हैं, कहा है कि भैया दो ही लोग पहले से हो गए हम लोग, वही आ जाइए तो भैया चलान कर जाए फर्जी में। तो भैया यही मारे हम दो ही लोग चल रहे हैं। ठीक, चलो भैया मिल रहे हैं फिर। ओके, तो भैया लोगों, हम आ गए हैं अपने रेडियो कनपुरिया के स्टूडियो में। हमारे साथ बैठे हैं देखो भैया, ये ऋतिक भैया हैं। और भैया आप बताइए। हेलो, हाय, मेरा नाम अर्जुन है। नाम तो सुना ही होगा, आवाज़ मेरी थोड़ी सी बैठी हुई है बट कोई नहीं। और इस टाइम स्टूडियो में ना सब कुछ फैला हुआ है, तो थोड़ी चीज़ों को अवॉइड करना कि यार यहाँ तो देखो सब फैला हुआ माहौल है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा अवॉइड करो। हमको देखो सर यार, घड़ी उतार दें क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है और हम जब भी घड़ी देखते हैं तो हमें लगता है कि यार कैसे होगा, इतना सारा काम है, बहुत सारे काम है करने के लिए। बट स्टिल खुशी इस बात की है कि यार 12 मई 2022 कानपुर की जनता को मिलने वाला है एक नया भोकाल, मतलब एक नई चीज मिलने वाली है। और जिनके लिए जिन जिन जो जो लोग हमें सुनेंगे देखेंगे उन सबको बता देंगे भैया अपने कानों को बिल्कुल साफ कर लीजिए, क्योंकि आपके कानों में जो पड़ेगा, जो आपको सुनाई देगा ना, वो होगा एक नंबर। तो 12 मई तैयार रहिए और बाकी फेसबुक इंस्टा पर भी जाकर के हमें प्यार दीजिए। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM आपका अपना रेडियो स्टेशन है। आप अपने फैमिली वालों को बताइए, रिश्तेदारों को कहिए कि यार हमारे पास भी खुद का रेडियो स्टेशन है। इतना सब याद रखिए और 12 मई तैयार रहिए। तो भैया लोगों, आप लोगों ने सुना, रेडियो कनपुरिया अपना चालू होने वाला है 12 तारीख से। तो सभी लोग भाई कान लगा के सुनिएगा, रेडियो कनपुरिया चालू होगा, सुन लो सब कोई कान लगा के। रेडियो कनपुरिया वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये थोड़ा सा मेरा उस दिन ही मिस्टेक था, वॉल्यूम बढ़ाकर, मतलब यहाँ वही ये कानपुरी भाषा में ले जा रहा था, तो भाई लोग हम आए थे रेडियो कनपुरिया स्टूडियो में। अब हम लोग जा रहे हैं भैया, बड़ी देर तक हम लोग बैठे रहे हैं यहाँ पे और वॉइस रिकॉर्ड करवाए हैं सर के साथ। ये हमारे सर हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे क्या बात है, हम इतने अच्छे कि लड़कियाँ रिश्ते भेज रही हैं अभी से। बहुत मस्ती भी की सर के साथ और फिर रिकॉर्ड करवा के अब जा रहे हैं। बाकी देखिएगा, अगर हो सकेगा 12 तारीख को भी यहाँ पे आना होगा। हाँ, और वैसे तो आते रहेंगे, अभी काम है सर का, अभी बहुत सा काम है जो करना है हम लोगों को। फिर उसके बाद 12 तारीख को तो ज़रूर आना है सभी को। बिल्कुल, 12 को तो देखो यार, ऐसा भोकाल टाइट होने वाला है कानपुर में कि जितने भी कनपुरी है वो तो मतलब अंदर से खुश हो जाएंगे, उनका बिल्कुल बाहर निकल है, फैल जाएंगे बिल्कुल, चाहे रास्ते में ट्रैफिक हो ना हो फिर भी जाम कर दे यार, आज तो आइया हम। तो वैसे कानपुर में भोकाल टाइट रहता है सबका। हाँ, अभी कुछ लोग यहाँ से हम देखे थे, भैया जरा थोड़ा थोड़ा डालो ग्लास में, अभी सुबह से ही चालू करेंगे, ये सिर्फ कानपुर में होता है, अपना कानपुर स्पेशल है। तो थैंक यू सो मच, और जो भी लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, खास करके इन भाई साहब को बहुत ही कमाल गया है, बिल्कुल देख लड़की बाबू खाना खाए कि नहीं खाए, ऐसा होता है कभी मेरे साथ? ऐसा कभी नहीं होता है, सच बताया तो। मतलब सोच ऐसे रहा है थोड़ी देर के लिए, अरे सही बताए कि ना बता, नहीं ऐसा हो सकता है, जो देख रही होंगी वो कहेंगे यार पहले तो तुम हमसे कहे थे,
मैं जो बाहर से हूँ वो अंदर से कभी नहीं हूँ। ये सारी काल्पनिक बातें, काल्पनिक बातें डाल ले बिल्कुल। चलो तो थैंक यू भैया, मजा आया आज। अब हम लोग चलते हैं। तो भैया लोगों यही रहे अपना स्टूडियो रेडियो कनपुरिया का, तो जौन हम आप लोगन का वही दिखावा। तो हुआ यार बहुत मजा आई। तो भैया लोग से बातें हुई, आरजे अर्जुन भैया रहे जो बहुत अच्छे हैं। और हाँ भैया 12 तारीख के ओपनिंग है, पुतन भैया तुम्हों का आए गए हैं यहाँ पे, ठीक। और भैया सबको ही सुन लो 90.0 सबका ट्यून करे का है, रेडियो कनपुरिया अपना चालू ही रहा सबका सुने का है, ठीक। तो भैया अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल का एकदम भैया घूसा उसा मार के सब्सक्राइब कर दो। और मिल रहे हैं भैया अगली वीडियो में, तब तक के लिए भैया टाटा बाय बाय।